नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। ईरान ने अपने परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की मौत का बदला लेने का दावा किया है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कमांडर को राजधानी तेल अवीव में निपटा दिया है। इससे पहले ईरान ने फखरीजादे को हुरों की खोज में भेजने के पीछे इजराइल का हाथ बताया था और उसका बदला लेने का ऐलान भी किया था। तेल अवीव में मारे गए मोसाद कमांडर के बाद अब दोनों देशों में तनाव के आसार बढ़ गए हैं। हालांकि इजराइल ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया है, मगर माना जाता है कि ईरान को इस गुस्ताखी की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ईरानी मीडिया के हवाले से कहा गया है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 45 वर्षीय मोसाद कमांडर फैमी इनावी को निपटा दिया गया है। उन्हें किसने निपटाया इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। सोशल मीडिया पर लोग इसे ईरान का बदला करार दे रहे हैं। कहीं का दावा है कि ईरान के खुफिया दस्ते ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि इजराइल की तरफ से हिनावी की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कुछ वेबसाइट ने इसे फर्जी खबर बताया है। उसके मुताबिक मरने वाला एक श्रमिक था, पर चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना ठीक फखरीजादे पर हुए हमले की तरह हुबू अंजाम दी गई है। ईरानी मीडिया का दावा है कि इजरायली मोसाद कमांडर को गुरुवार को उस वक्त ठोका गया जब वो अपनी कार में एक ट्रैफिक लाइट में रुके हुए थे। हमलावरों ने उन्हें लगभग फखरीजादे की तरह गोलियां मारी है, यानी कहीं ना कहीं ईरान का संबंध इस घटना से जुड़ रहा है। खासकर इजराइल की चुप्पी इस घटना पर अपनी मोहर लगा रही है, क्योंकि 4 दिन गुजरने के बाद भी इजराइल ने हिनावी के सहकुशल होने का दावा नहीं किया है। जबकि इजराइल ऐसे मामलों में अपने एक नागरिक के खोने पर ही कोई ना कोई बयान जारी जरूर करता है। हैरानी की बात यह है कि जिस फहमी हिनावी की मौत का दावा ईरान ने किया है, वह इस घटना के बाद से सामने नहीं आए हैं। चूंकि यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में सनसनी फैलाने वाली खबर है, ऐसे में यह ईरान का झूठा दावा होता तो इजराइल अपनी साख बचाने हेतु इसके एक्शन की वास्तविकता दुनिया को जरूर बता देता। मगर इजराइल की मौनता कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अगर ईरान का दावा सत्य है तो इजराइल कहीं ना कहीं उस पर किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में लगा है। यानी इन दोनों देशों के तनाव में दुनिया के कान भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि अगर इस घटना में तनिक भी सच्चाई हुई तो मध्य एशिया में हालात गंभीर हो सकते हैं। इजराइल अपने कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई कर सकता है। आपको बता दें कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की 27 नवंबर को तेहरान में रिमोट कंट्रोल वाली मशीन गन से हत्या कर दी गई थी। यह मशीन गन किसी दूसरी कार से ऑपरेट हो रही थी। खास बात यह है कि उस कार को भी धमाका करके उड़ा दिया था। मोहसिन फखरीजादे ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख थे। इससे पहले साल 2010 और 2011 के बीच ईरान के कुछ और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए थे। यह सभी साइंटिस्ट फखरीजादे के सहयोगी थे। इस वारदात के पीछे ईरान ने खुले तौर पर इजराइल का हाथ बताया था और इसका प्रतिशोध लेने की इजराइल को धमकी भी दी थी। अब जिस तरह से ईरानी मीडिया में कथित मोसाद कमांडर फहमी इनावी की मौत की खबरें चल रही हैं और घटना के वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, उसे ईरान द्वारा अपने परमाणु वैज्ञानिक की मौत के बदले के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। यह एक तरह से इजराइल को चिढ़ाने और ईरान को सर्वोपरि दिखाने की कोशिश है। ऊपर से इजराइल जिस तरह शांत दिखता है, वह ईरान के बदले के पूर्ण होने की गवाही भी दे रहा है। पिछले एक दशक से इजराइल और ईरान के बीच अघोषित जंग चल रही है। इजराइल परमाणु संपन्न मुल्क है, जबकि ईरान परमाणु बम बनाने के प्रयासों में जुटा हुआ है। इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देश नहीं चाहते हैं कि ईरान परमाणु क्षमता हासिल करे। मध्य एशिया के मुस्लिम मुल्क, जिनमें ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम आबादी वाले देश हैं, वे भी शिया समुदाय वाले ईरान के परमाणु कार्यक्रम से घबराए हुए हैं। ईरान का सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से दुश्मनी का एक लंबा इतिहास रहा है। यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम की प्रगति का एक नतीजा है, जिससे चिंतित सऊदी अरब और यूएई ने अपने दुश्मन इजराइल से हाथ मिला लिया है। दरअसल खाड़ी के इन दो प्रमुख मुस्लिम देशों ने ईरान के कद को टक्कर देने के लिए इजराइल की बांह पकड़ी है। बताया जाता है कि इजराइल ने इन देशों को ईरान से सुरक्षा का वादा किया है और इन देशों के साथ आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य सहयोग बढ़ाने का भरोसा भी दिया है। इसका जितना फायदा खाड़ी देशों को होने वाला है, उतना ही इजराइल को भी मिलने जा रहा है। इन रिश्तों से इजराइल की मुस्लिम देशों में स्वीकारता बढ़ जाएगी, जिससे दुनिया में उसकी पहुंच और भी व्यापक हो जाएगी। परंतु जिस तरह मोसाद कमांडर की मौत की खबर ईरान में चल रही है, उससे इजराइल की साख पर भी सवाल उठ सकते हैं। क्योंकि कहने वाले यह भी कह सकते हैं कि जब इजराइल अपने ही प्रमुख लोगों की ईरान से सुरक्षा नहीं कर पाया है, तो वह बाकी दोस्त मुल्कों का ईरान से कैसे बचाव कर पाएगा। यह सवाल आम व्यक्ति के लिए जरूर सामान्य हो सकते हैं, मगर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक लिहाज से इसका असर काफी गहरा होता है। ऐसे में यह संभावना भी पक्की है कि अगर ईरानी मीडिया की खबर सच है तो इजराइल का पलटवार काफी करारा होगा। वे अपनी खुफिया एजेंसी के कमांडर की हत्या का बदला और भी करूर तरीके से ले सकता है। वह ईरान को ऐसी चोट दे सकता है जो उसे ज्यादा देर तक स्थिर रहेगी। इसलिए क्षेत्र में बड़े तनाव से अगर दुनिया में चिंता बढ़ रही है, तो वह कहीं ना कहीं जरूरी भी है। इसकी वजह यह भी है कि इन दोनों ही प्रतिद्वंदियों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव निष्प्रभावी होता है। ईरान भी ऐसे किसी दबाव को नजरअंदाज करता है,
जबकि इजराइल अपनी उत्पत्ति के शुरुआत से ही एक आक्रामक मुल्क रहा है, यानी दोनों देशों के बीच घोषित या छद्म युद्ध आसानी से समाप्त नहीं होने वाला है। बड़ी चिंता यही है कि अगर मध्य एशिया में यह चिंगारी लपटों में बदली तो इसकी जद में खड़ी के अन्य देश भी आ जाएंगे। अरब और यूएई में प्रत्यक्ष तौर पर या फिर लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के द्वारा ईरान या बड़े आतंकी हमले करा सकता है। साल 2018 में भी ईरान ने सऊदी अरब में ड्रोन हमलों को अंजाम दिया था, यानी ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की मौत अब किसी बड़े संघर्ष का आकार ले रही है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी में भारत की पेशनी पर भी बल पड़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को गधैया नर्तक करने का मौका मिल गया है। यह दोनों ही देश भारत के घनिष्ठ मित्र देशों में गिने जाते हैं। इसी साल अक्टूबर महीने में ईरान ने पाकिस्तान को अपने यहाँ कश्मीर पर उछल कूद करने से साफ मना कर दिया था और अपनी जमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी भी दी थी, जबकि इजराइल हर मुश्किल में सदैव भारत के साथ खड़ा रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बड़े तनाव में उन्हें समझाने की भारत के लिए भी एक चुनौती है। यूं भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान के मामलों में भारत की मदद लेता रहा है। पिछले साल ईरान द्वारा अमेरिका के इराकी सैन्य बेस पर किए गए अटैक के बाद भारत ने ही इस पूरे मामले को हैंडल किया था। भारत की वजह से ही ईरान को अमेरिकी कार्रवाई से बचाया जा सका था, इसलिए भारत कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से मामले को शांत करने की कोशिशें जरूर कर रहा होगा। फिलहाल दुनिया यही आस लगा रही है कि ईरान की मीडिया के मोसाद कमांडर की हत्या का दावा झूठा निकले। अगर दावा सच्चा निकला तो मामला ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, फिर इस क्षेत्र में रणभेरी बजने की संभावना ज्यादा बलवती हो जाएगी। अमेरिका की तरफ से भी चुप्पी बनी हुई है। घटना गुरुवार को हुई और अब इसमें कई दिन गुजर चुके हैं। घटना का तरीका भी फकरे ज्यादा वाली वारदात से मिलता जुलता है, इसलिए आशंकाएं तरह तरह के सवालों को जन्म देती है। अगर अगले कुछ दिनों में इसराइल ने स्थिति साफ नहीं की तो इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ईरान के भीतर कुछ बड़ा होने वाला है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।